हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल। हमने फैक्टर्स देखने हैं, अनासिर देखने हैं, कुवतें देखती हैं दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल, जो डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, मींस के बिगाड़ पैदा कर सकती हैं अप्रेजल के अंदर, एम्प्लॉय की इवेल्युएशन के अंदर। हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। द अप्रेजल प्रोसेस कैन बी डिस्टॉर्टेड बाई मैनी फैक्टर्स। अप्रेजल का जो प्रोसेस है वो बहुत सारे अनासर की वजह से उसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है, लिविंग द रिजल्टिंग अप्रेजल मीनिंगलेस। और फिर जो अप्रेजल का रिजल्ट होगा वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अप्रेजल में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, जिससे उसका रिजल्ट जो होगा वो मीनिंगलेस होगा। Evaluators need to be aware of the factors that can cause problem with the process and take care to eliminate their influence. Evaluator जो होते हैं, जो कि appraisal कर रहे होते हैं employee का, need to be aware of the factors. उनको जो factors हैं जो distorted करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं appraisal के अंदर, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। That can cause a problem, जो कि problem की वजह बनते हैं इस अमल के साथ, पूरे appraisal के। और इनको टेक केयर भी करना है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अप्रेजल के ऊपर ना पड़े, यानी कि अपना ज़ाती इंटरेस्ट हो गया या अपनी इमोशनल फीलिंग्स होगी वो भी अप्रेजल के ऊपर असरअंदाज़ ना हो। ये इवेल्युएटर को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन द रियल वर्ल्ड, असली हकीकी दुनिया में, द पर्पज़ ऑफ अप्रेजल प्रोसेस ऑफन गेट लॉस्ट एंड मल्टीपल स्टेप इन द प्रोसेस आर स्किप बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। अब रियल दुनिया में जो अप्रेजल का मकसद होता है वो अक्सर लोग खो देते हैं उस मकसद को। मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं अप्रेजल के अंदर वो रोक दिए जाते हैं, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट होता है कि फटाफट अप्रेजल करना होता है, फीडबैक लेनी होती है, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से बहुत सारे स्टेप रह जाते हैं और अप्रेजल बिल्कुल मीनिंगलेस रह जाता है, ठीक है। लेट्स सी फैक्टर नेम्स दैट डिस्टॉर्ट द अप्रेजल प्रोसेस। वो फैक्टर के नाम देखते हैं जो बिगाड़ पैदा करते हैं अप्रेजल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो असरअंदाज होते हैं अप्रेजल के प्रोसेस के अंदर। तो हमारे पास डायग्राम है डिस्टॉर्शन, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बिगाड़ पैदा करना, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पे हमारे पास लियनसी फैक्टर है, लियनसी एरर लिखा हुआ है, यहाँ पे हालो एरर लिखा हुआ है, सिमिलैरिटी एरर है, लो अप्रेजल मोटिवेशन हमारे पास है, सेंट्रल टेंडेंसी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर और इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स। ये तमाम फैक्टर जो है इनको वन बाय वन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले है लियनसी एरर, ठीक है। लियनसी एरर कहते हैं नरमी, कि आपके दिल में नरमी पैदा हो गई और आपने अप्रेजल जो है वो अच्छा दे दिया, ठीक है, जबकि अच्छा नहीं था। तो एवरी वैल्यूएटर हैज़ हिज और हर ओन वैल्यू सिस्टम डेट एक्ट्स एज आ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अप्रेजल आर मेड। हर इवेल्यूएटर का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, जिन चीज़ों पर वो बिलीव करते हैं और वो एक्ट करते हैं एज आ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अप्रेजल आर मेड। उनके जो अपने रूल्स हैं, अपने वैल्यूज़ हैं, उनके हिसाब से वो मेयार बना लेते हैं और अप्रेजल जिसका अप्रेजल हो रहा होता है, यानी कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को उस बेस पे मेयर कर रहे होते हैं या एवेल्युएट कर रहे होते हैं। सम वांट टू सी द बेस्ट इन एवरीवन एंड इन्फ्लेट रेटिंग जस्ट अ बिट। कुछ ऐसे इवेल्युएटर होते हैं जो सब में अच्छा देखना चाहते होते हैं, किसी में बुराई नहीं देखते, तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं रेटिंग को जस्ट अ बिट, थोड़ा बेहतर कर देते हैं, हाई कर देते हैं, रेस कर देते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एवरेज से बेहतर थी, अच्छी थी, चाहे वो एवरेज थी लेकिन इन्होंने अच्छा दे दिया उसको। दिस इज़ कॉल्ड लीनियंसी एरर। इसी को लीनियंसी एरर कहा जाता है, नरमी का एरर, कि आपने नरमी दिखाई और जो हमारा अप्रेजल है वो ठीक नहीं आया। ऑर्गेनाइजेशन हैव अटेम्प्ट टू रिड्यूस लीनियंसी एंड अदर एरर विद सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग कार्ड कलेबरेशन मीटिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोशिशें कर रही हैं कि जो लीनियंसी का एरर है या जितने भी बाकी एरर उनको कम किया जाए। सुपरवाइजर की ट्रेनिंग की जा रही है पैमाना बंदी की मीटिंग के लिए, कैलिब्रेशन मीटिंग, यानी कि उनको बताया जा रहा है कि आपने किस तरह से पैमाना रखना है, क्या मेजर करना है, कैसे स्टैंडर्ड रखने हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि ये जो एरर्स हैं वो ख़त्म हो सकें। ट्रेनिंग डिज़ाइन टू मेक रेटिंग बाय डिफरेंट मैनेजर मोर कंसिस्टेंट। ट्रेनिंग का एक मकसद ये भी है कि हम जो रेटिंग है वो डिफरेंट मैनेजर से करवाएँ कंसिस्टेंट तौर पर, कि एक ही मैनेजर जो है वो बार बार हर साल जो है अब इवेल्युएट ना करें अपने एम्प्लॉय को, मुख्तलिफ जो मैनेजर्स हैं उनको इवेल्युएट करना चाहिए एम्प्लॉय को हर साल। इसको कंसिस्टेंट बनाया जा रहा होता है, ट्रेनिंग ये भी की जा रही होती है। तो ये हमारे पास है लीनियंसी एरर। सेकंड हमारे पास है हालो एरर। हालो एरर कहते हैं कि आप किसी एक खसूसियात की बुनियाद पर सब पे एक ही लेवल लगा दें और एक्सट्रीम लेवल का, जैसे कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश लोग हैं, ठीक है, वो अक्सर जो मुस्लिम को एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं कि यार मुस्लिम तो टेररिस्ट ही होते हैं, हर मूवी में हर गेम में वो ऐसे दिखा रहे होते हैं, सिर्फ अपनी किसी एक
चीज़ की बिना पे। तो जब एक्सट्रीम लेवल पे किसी को आप जज करते हैं तो इसको कहते हैं हालो एरर, कि आप गलती कर रहे हैं, किसी को एक्सट्रीम लेवल पे जज कर रहे हैं। द हालो एरर और इफेक्ट अक्कर व्हेन वन इज रेटेड आइदर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो ऑन ऑल द फैक्टर बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ वन और टू फैक्टर। अब यही है हालो एरर या हालो इफेक्ट जो है वो इसी चीज अक्कर, ये तभी अक्कर होता है जब आप किसी को एक्सट्रीमली हाई लेवल पे रेट कर रहे हैं या एक्सट्रीमली लो लेवल पे रेट कर रहे हैं, ठीक है, और दो से तीन फैक्टर की बुनियाद पे, ठीक है, आपने उनको जज कर लिया कि यार ये तो ऐसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर हम यहाँ कह रहे थे कि मुस्लिम को कहा जाता है कि हिजाब किया करें, या ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सारे मुसलमान एक्सट्रीम हैं, स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, यानी कि एक फैक्टर की बुनियाद पर वो सबको जज करना शुरू कर देंगे एक्सट्रीम लेवल पर। मैनेजर में आल्सो टेंड टू गिव हायर रेटिंग टू एम्प्लॉयज दैट दे देमसेल्फ हैव हायर्ड ओवर दोज हायर बाय अदर मैनेजर। अब यहीं पे देखे ना एक खसूसियात आ गई, अब मैनेजर उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हाई रेटिंग देगा जिनको वो खुद हायर करता है, जबकि जो एम्प्लॉय दूसरे किसी मैनेजर ने हायर किए होंगे उनकी रेटिंग लो होगी। तो यानी कि आप एक्सट्रीमी लेवल पे खुद अपनी मर्जी से किसी को हाई रेटिंग दे रहे हैं या किसी को लो रेटिंग दे रहे हैं, तो इस इफेक्ट को कहते हैं हालो एरर। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलैरिटी एरर। अब इसका क्या है वो हम देख लेते हैं। इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द वे एंड इवेल्युएटर परसीव्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब आप एम्प्लॉई को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका जायजा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इस बेस पे कि आप खुद को कैसे परसीव करते हैं। आप अगर उस एम्प्लॉई की आदतें आपसे मैच होती होंगी, ठीक है, जैसे आप अपने आप को परसीव करते हैं कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस है तो मैं बेहतरीन हूँ, ठीक है, मुझे ये काम आता है तो मैं सबसे अच्छा हूँ, तो अगर उसमें भी ये खूबी होगी तो आप उसको अपने हिसाब से इवेल्युएट करेंगे। अगर अब आपके मुताबिक मैच नहीं करता होगा तो आप उसको इवेल्युएट कम करेंगे। इसको हम कह देते हैं सिमिलैरिटी एरर, ठीक है। ये तीसरा फैक्टर है जो असरअंदाज होता है अप्रेजल के ऊपर। फोर्थ और तो फिफ्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास लो अप्रेजल मोटिवेशन है और फिफ्थ हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है। लो अप्रेजल मोटिवेशन, अब ये क्या है हम ये भी देख लेते हैं। इफ़ द इवेल्युएटर नो दैट अ पुअर अप्रेजल कुड सिग्निफिकेंटली हर्ट द एम्प्लॉयज फ्यूचर पर्टिकुलरली अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज द इवेल्युएटर मे बी रिलक्टेंट हेजिटेट अनविलिंग टू गिव रियलिस्टिक अप्रेजल। अब अप्रेजल मोटिवेशन के, अब कम अप्रेजल की मोटिवेशन को हम सेट कर रहे हैं। अब अगर इवेल्युएटर को लगता है, ये फील होता है, मैं आपको ईजी वर्डिंग में समझाता हूँ कि अगर मैं पुअर अप्रेजल दूंगा एम्प्लॉय का तो उसके कैरियर पे, उसके फ्यूचर पे, उसकी प्रमोशन पे, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट पे काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। तो इवेल्युएटर जो है वो रिलेक्टेंट होता है, वो रुक जाता है, हेजिटेट अनविलिंग, उसका दिल नहीं करता कि मैं पुअर अप्रेजल दूँ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रेजल देता है जो कि रियलिस्टिक अप्रेजल से डिफरेंट होता है, हकीकी अप्रेजल से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अगर वो हर्ट हो गया, उसकी प्रमोशन रुक गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं लो अप्रेजल मोटिवेशन। पांचवा है सेंट्रल टेंडेंसी, मियाना रवि दरमियाने का रास्ता चुनना, ना एक्सट्रीम लेवल पे ना हाई, ना एक्सट्रीम लेवल पे लो, दरमियाने टेंडेंसी, ठीक है, आपका जो मिजाज है वो दरमियाना चल रहा है। द टेंडेंसी ऑफ रेटर टू गिव एवरेज रेटिंग, एक मिजाज है रेटर का कि वो एवरेज रेटिंग देता है सबको। सेंट्रल टेंडेंसी अक्कर व्हेन अ रेटर चूज नॉट टू यूज द टू एक्सट्रीम, ये तब अक्कर होता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर, जब एक रेटर जो होता है वो नहीं चूज करता कि मैं एक्सट्रीम हाई लेवल पे पुअर दूं और एक्सट्रीम लो लेवल पे पुअर दूं। अगर ऐसा है भी सही तो वो फिर भी नहीं देगा, वो बीच में ना वो ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कहेगा किसी एम्प्लॉय को, ना वो ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल कहेगा किसी एम्प्लॉय को, बट ठीक है दरमियाने लेवल की वो करता है। ये किसी में खासियत होती है कि वो दरमियाना रास्ता चुनता है, ना किसी को ज़्यादा तारीफ करो कि वो सर पे चढ़ जाए, ना किसी की इतनी बुराई करो कि वो नाराज़ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एरर। आखिरी दो हमारे पास आ जाते हैं, एक है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो डिमांड सप्लाई का, तो किस तरह से आप टैक्सेस वगैरह बढ़ा देते हो, लेकिन इसमें अब डिफरेंट है, इसमें हम देख लेते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्या होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अक्कर व मैनेजर गिव हायर रेटिंग देन डिजर्व टू देयर एम्प्लॉय इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तब अक्कर होता है कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, अक्सर बातों का यही होता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि ये मसला जल्दी हल करो, या इसको अच्छी अप्रेजल दो, इसको पुअर अप्रेजल दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ना हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो सकता है कि मैनेजर किसी को हाई रेटिंग दे रहा है, ठीक है, जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता था, जितनी वो डिज़र्व करता था उससे हाई रेटिंग दे रहा है जानबूझ के या अनजाने में। पुअरली ट्रेन इवेल्युएटर में वरी अबाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ एम्प्लॉय डेट एक्सपेक्ट टू बी एवरेज एंड गिव द एम्प्लॉय हाई रेटिंग।
अगर एक पुअरली ट्रेन इवेल्यूएटर है, उसको लगेगा यार अगर मैं किसी को पुअर रेटिंग दे दूंगा तो उसकी फीलिंग जो है, एहसास जो है वो हर्ट हो जाएंगे, तो उसको एवरेज से बेहतर रेटिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये अब ये सही बात नहीं है, आप एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता लेकिन फिर भी उसकी रेटिंग जो है आप हाई कर रहे हो, ठीक है। रिड्यूस नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, और वो एम्प्लॉय के जो नेगेटिव पहलू हैं उनको कम कर देता है, इससे रिजल्ट जो है वो गलत निकलता है और अप्रेजल में बिगाड़ पैदा होता है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फाइनली हमारे पास आ जाता है इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स फॉर परफॉर्मेंस। आप जो मेयार रख रहे हैं, मुतबादिर रख रहे हैं परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए, वो आपने जो सब्स्टिट्यूट रखे हैं वो बिल्कुल गलत रखे हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे। इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस अक्कर व्हेन द अप्रेजर इवेल्यूएट एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन फैक्टर अनरिलेटेड टू हिज और हर जॉब परफॉर्मेंस। अब इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट गैर जरूरी मुतबादल परफॉर्मेंस के लिए रखना जब अप्रेजल इवेल्यूएट करे एम्प्लॉय को उन अनासिर पे जिनका जॉब के साथ ताल्लुक ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको सिगरेट पीने की आदत है। वो अपने ऑफिस के किसी कोने में जाके या कहीं पर बैठ के सिगरेट पीता है और मैनेजर को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो सिगरेट पीते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो वो इस बेस पे उसकी परफॉर्मेंस उसको जज कर रहा है कि यार ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। या अगर कोई एम्प्लॉय कभी कभी किसी ट्रैफिक की वजह से या दूर घर होने की वजह से लेट आता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन वो लेट आने के चक्कर में उसके परफॉर्मेंस को गलत करार दे रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि वो अपना काम पूरा कर रहा है लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी इवेल्यूएशन टोटली रॉन्ग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस, कि आपने गलत मुतबादिर चुन ली है परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के। तो यहाँ पे जो 7 फैक्टर थे जो बिगाड़ पैदा करते हैं, डिस्टोर्ट पैदा करते हैं अप्रेजल के अंदर, वो कंप्लीट हो जाते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।